चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आध्यात्मिक शक्ति अनुसंधान संगठन की ओर से आज एक ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। ग्रीन सिटी की दिशा में उठाए गए कदम के तहत इस शिविर का आयोजन किया गया था। आचार्य सुरेश पुष्पकरण ने इस अवसर पर विश्व शांति की दिशा में अपने प्रयास का भी यहां उल्लेख किया। इस मौके उनके साथ रेकी मास्टर इनु प्राशर भी मौजूद थी। आध्यात्मिक शक्ति अनुसंधान संगठन के लीडर पंडित नरेंद्र शर्मा और अभिषेक मलिक के अनुसार ध्यान विश्व शांति के प्रति एक माध्यम ही नहीं है, विश्व शांति एक बहुत बड़ी बात है जिसमें सभी समस्याओं का समाधान शामिल होता है, जो कि हमारे जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी में जो रोग अवसाद आक्रामकता और अन्य सभी नाक्रामकता ऊर्जा का जो हम सामना करते हैं शामिल है। जो हमारा मेन मकसद है वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस किस चीज़ के प्रति? अध्यात्म के प्रति कुछ धारणाएं ऐसी हैं कि लोग ऐसा समझते हैं कि जो मेडिटेशन है वो सिर्फ और सिर्फ भौतिक दुनिया से हमें अलग और दूर ले जाने की बात हम करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम मेडिटेशन जो करते हैं, हम अपने शरीर, अपना मन और अपनी आत्मा, इन सब का संतुलन करने के लिए करते हैं और अपनी आत्मा शरीर और मन की शुद्धि के लिए करते हैं। जैसे कि जो कॉस्मिक एनर्जी है, जैसे कि हमारा शरीर है, हम यहाँ से जो बात करते हैं अपने शरीर से बात करते हैं, जब हम जीवन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले इंसान अपने शरीर की बात करता है कि वो स्वस्थ रहना चाहिए, हमें शारीरिक कोई कष्ट ना हो, मन जो है वो शांत रहे, उसमें कोई व्यभिचार ना हो, इस तरह की बातों की हम बात करते हैं, जीवन की बात करते हैं। जैसे भोजन हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक चीज़ है कि हमें एनर्जी मिलती है, वहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है, हमें सूर्य की ऊर्जा भी बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए हमें वायु की भी बहुत ज़रूरत है जीने के लिए। ऐसे ही ये सब चीज़ों का तो एक जैसे कि लोगों को ज्ञान है, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को इस बात का ज्ञान हो कि जो कॉस्मिक एनर्जी जो हमारे कॉस्मोस से लगातार इस धरती पर आती रहती है, उस एनर्जी की हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्वस्थ रहने के लिए। हमारी जो आत्मा है, वो एक आत्मा क्या है इसके बारे में भी लोगों का जो है बहुत मतभेद है कि वो क्या है। आत्मा एक एनर्जी है और जो शरीर है ये तत्व है, एक मेटेरियलिस्टिक चीज़ है, और कोई भी एनर्जी है उसको ट्रैवल करने के लिए माध्यम की ज़रूरत हो, जैसे ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए माध्यम की ज़रूरत है, उसके बिना वो ट्रैवल नहीं कर सकती। तो ऐसे ही आत्मा रूपी जो एनर्जी है इसको ट्रैवल करने के लिए मटेरियल की ज़रूरत है, वो मटेरियल है वो शरीर। आध्यात्मिक शक्ति अनुसंधान संगठन इस वर्ष पहले चरण में 100 से अधिक कार्यक्रमों की योजना बना रहा है, ताकि सभी प्रमुख शहरों में रहने वाले लोगों को ध्यान की शक्ति के बारे में पता चल सके और अपने आसपास की एनर्जी को समझ सके और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। प्रमुख शहरों को लक्षित करने का कारण यही है क्योंकि हमारा मानना है कि भारत के मेट्रो शहरों में रहने वाले लोगों को दिन प्रतिदिन तनाव प्रमुख शहरों को लक्षित करने का कारण यही है क्योंकि हमारा मानना है कि भारत के मेट्रो शहरों में रहने वाले लोगों को दिन प्रतिदिन तनाव चिंता आदि से राहत पाने के लिए हमारी सहायता की आवश्यकता है। आध्यात्मिक शक्ति अनुसंधान संगठन के 50 विभिन्न देशों में 400 से अधिक ध्यान और रेकी उपचार केंद्र और जल्द ही श्री R.S. मलिक ने नेतृत्व में भारत में लगभग 100 केंद्र शुरू करने जा रही है। आध्यात्मिक शक्ति अनुसंधान संगठन के नेताओं का कहना है कि भारत में परिणामों को देखने के लिए हमें एक महान प्रयास की आवश्यकता है क्योंकि रिकॉर्ड के मुताबिक भारत में तनाव का स्तर दुनिया में सबसे ज्यादा है। अधिकतर यूरोपियों और पश्चिमी देशों से आध्यात्मिक शक्ति अनुसंधान संगठन के 10 लाख से अधिकतर दुनिया में सबसे ज्यादा है। अधिकतर यूरोपियों और पश्चिमी देशों से आध्यात्मिक शक्ति अनुसंधान संगठन के 10 लाख से अधिक अनुयायी हैं, जिसमें 80% मिशन को अपने धर्म के रूप में मानते हैं। सब लोग करें, हम ये समझते हैं, सब लोग करते हैं, हम ये कहते हैं कि उसको सही दिशा दी जाए, जो जिन लोगों में जागरूकता नहीं उसमें जागरूकता पैदा की जाए। वो कैसे हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे जागरूक किया जाए? एक जो हमारा कहना है वो ये है कि एक इंसान वो कहता है कि मुझे, मैं नहीं मानता हूँ, ईश्वर को नहीं मानता हूँ,
वो ईश्वर को नहीं मानता, वो कहता है ना मैं किसी धर्म को मानता हूँ, ठीक है उसकी बात वो नहीं मानता है, वो उसकी सोच है। लेकिन मेडिटेशन जो है इसका ना किसी धर्म से कोई लेना देना है, ना किसी ईश्वर को मानने या ना मानने से कोई लेना देना है, इसका ये एनर्जी है। ये जैसे आप खाना भोजन करते हैं, भोजन की तरह इसकी भी आपको आवश्यकता है। बलविंदर आर्या के साथ कुलदीप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट नेशनल बस के लिए।